सत्यकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है बॉलीवुड गॉसिप। जी हां, अब आपको इस प्रोग्राम के नाम से दोस्तों अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक ऐसी गॉसिप से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसे यकीनन अगर आप भी सुन लेंगे तो दोस्तों काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। और आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहलाए जाने वाले रणबीर कपूर के बारे में और साथ ही साथ बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस कहलाए जाने वाली आलिया भट्ट के बारे में। अब दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि पिछले काफी वक्त से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन ये दोनों साथ में स्पॉट किए जाते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं कपूर परिवार की तरफ से भी और भट्ट परिवार की तरफ से भी इन दोनों के रिश्ते को ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब हाल ही में खबर सामने आई है, जी हाँ, वायरल खबरों की अगर माने तो खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर के जन्मदिन के खास मौके पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आपको पता चलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन अगर खबरों की माने तो ये पक्की खबर बताई जा रही है कि भाई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने सगाई कर ली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी सारा चर्चा में है। लेकिन आपको बता दें हाल ही में खबर सामने आई है कि रणबीर कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और साथ ही साथ अपनी रूमर गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के संग सगाई कर ली है। जी हाँ, ये खबर काफी चौंकाने वाली है। लेकिन अगर खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने सगाई कर ली है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस बात की जानकारी अब आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें हाल ही में रणबीर कपूर का जन्मदिन निकला था। 28 सितंबर को रणबीर कपूर ने अपने परिवार वालों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उस रात रणबीर के घर पर उनके रूमर गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट को भी देखा गया था। आलिया ने अपने हाथ से रणबीर का बर्थडे केक भी बनाया। इसी दौरान आलिया और रणबीर को उनकी मम्मियों के साथ देखा गया। दरअसल आपको बता दें रणबीर की मां नीतू कपूर ने खुद आलिया की मम्मी के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और अब पता चला है कि उस मीटिंग के दौरान रणबीर और आलिया की सीक्रेट एंगेजमेंट भी हो चुकी है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं। लेकिन अगर वायरल खबरों की माने तो भाई कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया ने रणबीर कपूर के जन्मदिन के खास मौके पर सगाई कर ली है। जी हाँ, खबर है कि रणबीर के बर्थडे पर उनकी मॉम नीतू ने जब कहा कि क्यों ना इस शुभ दिन पर बच्चों की सगाई हो जाए तो इस पर किसी को भी परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। दोनों फैमिली ने उस शाम रणबीर और आलिया के रिश्ते को पक्का कर दिया। आमतौर पर रणबीर की माँ उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर बहुत श्योर नहीं रहती है, लेकिन इस बार बेटे के जन्मदिन पर उन्होंने सगाई करवा दी है। वहीं अगर खबरों की माने तो पता चला है कि फिलहाल रणबीर और आलिया की शादी नहीं होने वाली है। रणबीर और आलिया के घरवाले 2020 तक दोनों की शादी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। रणबीर और आलिया के रिश्ते से दोनों परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। हम आपको बता दें कि जब से आलिया के साथ रणबीर का लिंकअप हुआ है तब से नीतू कपूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वही आपको बता दें रणबीर के पापा ऋषि कपूर भी आलिया को अपनी बहू बनाने का पूरा मन बना चुके हैं। ऋषि कपूर पहले ही कह चुके हैं कि रणबीर की जिंदगी में वो जिससे चाहे शादी कर ले। नीतू कपूर को आलिया काफी ज्यादा पसंद है और साथ ही साथ नीतू कपूर ने इस बात की जानकारी भी दी है कि नीतू कपूर आलिया भट्ट को काफी ज्यादा पसंद करती है। वही आपको बता दें महेश भट्ट जो आलिया भट्ट के पिता हैं वो भी रणबीर कपूर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आलिया के पापा महेश भी सावरिया को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। वहीं मम्मी सोनी राजदान भी रणबीर कपूर को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। लव गुरु करण जौहर भी रणबीर और आलिया की शादी करवाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कपूर फैमिली इस वक्त रणबीर की दादी कृष्णा राज कपूर के इस दुनिया को अलविदा कहने से काफी ज्यादा दुखी है। इसी बीच आलिया भट्ट भी रणबीर की दादी की
अंतिम दर्शन करने के लिए वहां मौजूद हुई थी। अब इससे जाहिर है कि आलिया भट्ट कपूर खानदान के बेहद करीब है, तो वहीं अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी का, क्योंकि भाई अगर खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इन दोनों ने सगाई कर ली है। अब देखना यह है कि ये दोनों अपने रिश्ते पर ऑफिशियली कब मोहर लगाते हैं, ऑफिशियली ये दोनों अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट कब करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज इन दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता है तो वही एक दूसरे के परिवार भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। आलिया को नीतू कपूर बेहद पसंद करती हैं, तो वही रणबीर कपूर को भट्ट परिवार भी काफी ज्यादा पसंद करता हुआ नजर आता है। तो वही ऋषि कपूर भी इनडायरेक्ट वे में बोल ही चुके हैं कि भाई आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तो वही जिस तरीके से ये दोनों आए दिन साथ में स्पॉट किए जाते हैं, कभी डिनर डेट पर तो कभी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आते हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और अपने रिश्ते को इन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं। वेल, अब देखना ये होगा कि भाई ये दोनों कब अपने रिश्ते पर मोहर लगाते हैं और कब जल्द से जल्द अपने फैंस को खुशखबरी देते हैं। तो वहीं आपको बता दें, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के बर्थडे के मौके पर रणबीर के लिए खास केक भी बनाया था, खुद अपने हाथों से उन्होंने केक बनाया था और साथ ही साथ सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर रणबीर कपूर की एक तस्वीर शेयर करके उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे सनशाइन, जिससे वही सोशल मीडिया पर फैंस ने आलिया भट्ट को ये सलाह दे डाली थी कि अब उन्हें भट्ट से कपूर बन जाना चाहिए। वेल, अब हम भी यही देखना चाहते हैं कि आलिया भट्ट भट्ट से कपूर कब बनती है और कपूर खानदान की वो बहू कब बनती हुई दिखाई देगी। कि किस तरीके से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो प्यार के पंछी बने हुए हैं उनको लेकर आए दिन काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं किस तरीके से रणबीर कपूर के जन्मदिन के मौके पर उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, रणबीर कपूर, खुद नीतू कपूर और आलिया भट्ट नजर आई थी। तो वहीं कहा गया था कि भाई आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के जन्मदिन पर लाखों के कपड़े पहने थे। जी हाँ, ब्लू ड्रेस में नजर आई आलिया भट्ट ने लाखों के ड्रेस पहनी थी। अब भाई इस बात में कितनी सच्चाई है कि इन दोनों ने रणबीर कपूर के जन्मदिन के खास मौके पर सगाई करी है या फिर नहीं, ये तो भाई ये दोनों ही जानते होंगे और भट्ट परिवार और कपूर परिवार ही जानता होगा, लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। अब देखना ये होगा कि भाई ये दोनों कब अपने रिश्ते पर मोहर लगाते हैं और कब अपने फैंस को ये बड़ी खुशखबरी वो देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का। लेकिन आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसी ही कुछ बॉलीवुड से जुड़ी गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट नाइन न्यूज और बॉलीवुड की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।